नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हैं फिर से वैद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक है आपके पास में। गॉस के अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। अनुप्रयोग नंबर हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। उस दूसरे अनुप्रयोग में हमें पढ़ना है आपके पास में कि आवेशित आपके पास में गोले के द्वारा, आवेशित खोखले गोले या आवेशित कोष के द्वारा आपके पास में उससे उसके केंद्र से आर बिंदु पर आपके पास में उसके केंद्र से आर दूरी पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करना है। ठीक है, अनुप्रयोग आपके पास सेकेंड है आपके पास में। ठीक है, तो हमें एक खोखले गोले से आवेशित आपके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास कोष के बाहर विद्युत खो आपके पास आवेशित कोष या आपके पास में समान रूप से आवेशित गोलीय कोष। ठीक है, हेडिंग है हमारा समान रूप से आवेशित गोलीय कोष। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है आवेशित गोलीय कोष। ठीक है, के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। के द्वारा, ठीक है, ई ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना हमें डिस्कस करना है हमको। अब ये डिस्कस करना है तो बेटा हम आपके लिए फिर वही बात कहेंगे कि अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए जो भी आपके पास पूछना है। ठीक है बेटा, आगे की तरफ हम देखते हैं। समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के द्वारा ई मतलब वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमारे पास एक गोलीय कोष दिया गया है। गोलीय कोष दिया गया है तो आवेशित गोलीय कोष है, तो हम आवेशित गोलीय कोष बना लेते हैं बेटा। ये हमारे पास गोलीय कोष है। ठीक है, ये आवेशित गोलीय कोष है। इस पर एक समान समान रूप से आवेश है। ये हमारे पास इसका केंद्र ये है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, आपके पास में तो हम जानते हैं हमारे पास एक आवेशित गोलीय कोष है। इस आवेशित गोलीय कोष से के केंद्र से आर दूरी पर या तो बाहर बिंदु होगा या तो अंदर बिंदु होगा। ठीक है, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के अंदर, जहां भी आपके पास बिंदु होगा वहां पास हम उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो मान लेते हैं, माना हमारे पास एक आवेशित, ठीक है, गोली कोष है जिसके जिसकी त्रिज्या माना एक आवेशित आवेशित गोली कोष है। आवेशित गोलीय कोष है, ठीक है, जिसका, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं जिसकी आपके पास में जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और कैपिटल आर है, और
आवेश क्यों है? ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, हमारे पास एक गोली कोस, ठीक है, इस गोली कोस की त्रिज्या आपके पास में कैपिटल आ रहा है और इस पर आवेश क्या है, क्यों है। ठीक है, फिर आपको मान लेते हैं कि आपके पास में गोली कोस में बाहर की तरफ निकालना है, यहां पास निकालना है, ठीक है, आपके पास में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पास पॉइंट लिखेंगे, यहां पास पार्ट्स लिखा जाएगा, ये दूसरा अनुप्रयोग है। इसमें अगर देखा जाए तो जब बिंदु, भाई तीन इसके क्षेत्र बन रहे हैं ना, तीन सतह बन रही, यानी तीन आपके पास पार्ट्स बन रहे, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के अंदर, गोली कोष पर, क्योंकि ये आपके पास कोष है तो खोखला है आपके पास में। जब बिंदु, कोष मतलब खोखला, जब बिंदु जो आपके पास में, आपके पास में जब बिंदु कोष के बाहर हो, कोष के बाहर हो, इसका मतलब आर जो है वो कैपिटल आर से ज्यादा हो, जो दूरी है आपके पास में, ये जो आपके पास बिंदु है कोष के बाहर होगा, तो इसकी दूरी केंद्र से स्मॉल आर वो कैपिटल आर से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कैपिटल आर कोष की त्रिज्या आपके पास में, स्मॉल आर जो आपके पास में बाहर है, बिंदु के बाहर आपके पास में, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पास क्या बात करते हैं, यहाँ पास कोष के बाहर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हमें उस बिंदु, जिस बिंदु पर आपको कोष के बाहर निकालना है, उस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोष आपके पास, बिंदु से सिंपली आप लिखिए, बिंदु से एक गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। कोष के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर एवं वह बिंदु पी से गुजरता हो, हमने क्या किया कि एक बिंदु पी मान लिया हुआ है कोष के बाहर, ये बिंदु पी की दूरी आर है, तो हमने इसके इसी त्रिज्या को, इसी दूरी को त्रिज्या मान करके एक और गोलीय कोष के बाहर हमने क्या कर दिया आपके पास में, एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। तो गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं, थोड़ा सा और छोटा इसको, ये हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली बाहर बाहर, ठीक है, आपके पास में। इस गॉसियन पृष्ठ की जो आपके पास त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो हम इसमें आप फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है, बंद पृष्ठ हो गया आपके पास में, तो आपके पास में फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स बराबर आपके पास में पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो हो जाएगा, पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा बेटा, वो कितना होगा, पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, पृष्ठ की से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, फाई बराबर बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा,
इतना होता है माप, ठीक है। गॉस की प्रमेय से यहां लिखेंगे, फिर गॉस की प्रमेय से कितना होता है, गॉस की प्रमेय से फाइव बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर देखा जाए दोनों ही फ्लक्स की बात करते हैं, तो जब दोनों ही फ्लक्स की बात करते हैं तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बंद समाकलन ईडीएस कॉस थीटा बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू इन होता है अंदर की तरफ आवेश, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर की तरफ आवेश कितना है उसकी संख्या बताता है। ये गॉसियन पृष्ठ, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, हमने क्यू आवेश माना था, तो ये पूरा का पूरा क्यू आवेश ही है, ठीक है। पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये आपके पास गॉसियन पृष्ठ है, इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। और हम यहाँ पास अगर देखते हैं तो ये धनात्मक आवेश है, इससे दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ये हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा अल्प क्षेत्रफल पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, तो ये अल्प क्षेत्रफल यहाँ पर मान लेंगे और इसी के लंबवत बाहर की तरफ हमने इसको दे दिया। तो हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र और आपके पास में क्षेत्रफल सदिश दोनों दिशा की समान है, दोनों की दिशा समान है, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, जीरो डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ई जो है वो हर जगह समान है, तो ई को बाहर कर लिया, ई डी एस बंद समाकलन ई डी एस कॉस जीरो क्यों इन, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, जो गॉसियन पृष्ठ आपने माना है उस पृष्ठ के अंदर पूरा ही आवेश आ रहा है, पूरा ही आवेश आ रहा है यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस जीरो की वैल्यू होती है बेटा वन, तो बंद समाकलन डी एस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखें डी एस आपके पास में समाकलन किसका हो रहा है, डी एस को हो रहा है, डी एस क्या क्षेत्रफल है, तो अल्प क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूरे गोले का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr² होता है, ठीक है। हम गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो गॉसियन आपके पास में पृष्ठ कैसा है, गोला है, उस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² गोला है तो, ठीक है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, Q अपान 4πε₀r। इसका मतलब अगर देखें इस फार्मूले को, तो ये फार्मूला बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही है आपके पास में। इसका मतलब आपके पास में यह गोलीय कोष एक बिंदु आवेश की तरह तरह आवेश की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जब बिंदु क्या हो, बाहर की ओर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आपके कैलकुलेशन से हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर की तरफ निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है हमारे पास में, ई की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन 4πε₀। ये जो फार्मूला है वो बिंदु आवेश के तरीके से दिखता है, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष के बाहर अगर लोगे तो वो बिंदु आवेश के जैसा ही दिखाई देगा आपके पास में, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को बेटा, और इसके आगे हम बिंदु कोष के अंदर की तरफ की बात कर लेते हैं कि कोष के अंदर कितना होगा, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए आप। धन देखिए बेटा, हमने अभी तक डिस्कस किया था कि बिंदु क्या हो, कोष के बाहर हो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिंदु जो है कोष के कोष पर हो, ठीक है। कोष
पर हो। जब बिंदु कोश पर होगा तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। ठीक है, यहां पास भी अगर बात करते हैं तो अगर हम कोश पर की बात कर ले तो कोश पर भी हम एक बिंदु मान लिया, यहां पास सपोज दैट ये क्यू बिंदु मान लिया। ठीक है, यहाँ पी माना हुआ है, कैपिटल क्यू मान लिया हमने, स्मॉल क्यू तो ऑब्वियस दिया हुआ है। अब इस बिंदु बिंदु पी से एक गुजरने वाला आप गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। हमने एक गॉसियन पृष्ठ यहां पास हमने कल्पना कर ली जो कोश पर ही गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है। ठीक है, तो हमने कोश पर ही गॉसियन पृष्ठ की बात कर ली है, तो कोश पर हमने बात किया। तो जब बिंदु कोश पर हो दैट इज आर और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो, दोनों सेम हो। जब कोश पर ही होगा तो हम स्मॉल आर जब लेंगे, हम स्मॉल आर लेंगे, स्मॉल आर जो उस समय होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। कब? कोस क्या आपके पास में। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं। तो जब बिंदु कोस पर होगा तो आपके पास क्या करेंगे, आपके पास क्यू से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या त्रिज्या कैपिटल आर है। चलिए, तो फ्लक्स की अगर बात कर लें हम, फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन ईडीएस कॉस थीटा, यहां भी ठीक है, आप चाहें इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट समीकरण दूसरा समीकरण दे दीजिए, नहीं तो आप तीसरा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूं इसका। अगर फाई बराबर बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा है तो गॉस के नियम से गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यों इन या आपके पास में ऑन द सरफेस हो या आपके पास इन द सरफेस हो आपके पास, तो वो क्यों इन ही माना जाता है बेटा। तो हम अगर इस दोनों समीकरण की बात कर लेते हैं, अब अगर बात करें तो आपके पास में बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पास अगर देखें यहां पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही होगी और डीएस की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन में ऐसे ही होगी, तो दोनों की दिशा समान है बेटा। बंद समाकलन ई आपके पास में बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है। डीएस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पर यानी आपके पास सतह पर या सतह के अंदर को ही हम क्यू इन कहते हैं आपके पास में। ठीक है, तो हमने ई की वैल्यू निकाली बेटा, डीएस दोनों के बीच में जीरो, तो डीएस का आपके पास में समाकलन होगा तो ये वन मिल जाएगी वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब डीएस को हम क्या करेंगे, अल्प क्षेत्रफल को बारी बारी से ऐड करेंगे तो पूरा हमें वृत्त का गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा 4 पाई। आर कौन सा लेंगे, वो बिंदु क्यू जो है वो गोले पर ही आपके पास में, तो उसके लिए त्रिज्या कैपिटल आर होगी बेटा। तो ई की वैल्यू जो निकल के आएगी अगर देखा जाए तो हमने कट किया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला ऑन द सरफेस निकल के आया। ये फार्मूला बाहर के लिए भी सेम दिख रहा है और अंदर के लिए भी सेम दिख रहा है, बस आर क्या है आपके पास में वो बदल रहा है, आर क्या है वो बदल रहा है आपके पास में। ठीक है, अगर हम अंदर के लिए बात करें, यहां पास में तीसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं। ठीक
ठीक है, जब बिंदु अंदर की ओर हो मतलब स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा हो। तो बिंदु अगर अंदर की ओर होगी बेटा तो अंदर की ओर क्या करेंगे हम, देखिए मान लेते हैं हमारा बिंदु यहां पास है, ठीक है, ये टी बिंदु हो गया, तो इस बिंदु से भी हम क्या करेंगे गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। ड्रा कर लिया हमने इस बिंदु से होते हुए गॉसियन पृष्ठ, और इस बिंदु की दूरी स्मॉल आर मान लिया हमने, गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लिया बेटा ये, ठीक है। तो अगर हम देखें आपके पास में आर से गॉसियन पृष्ठ ड्रा करते हैं, टी से गॉसियन पृष्ठ ठीक है खींचते हैं, तब क्या होता है टी बिंदु से आपके पास गॉसियन पृष्ठ अगर खींचते हैं तो हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा फाई बराबर बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, और गॉस से क्या होगा गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप अगर देख रहे हैं कि क्यू इन यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आवेश नहीं है तो आवेश नहीं तो आवेश जीरो, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट मतलब जीरो, और अगर आवेश नहीं है तो अंदर की तरफ क्या आपके पास में अंदर की तरफ से फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो फ्लक्स जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो, फाई की वैल्यू जीरो आई, तो फाई की वैल्यू जीरो आप यहां रख के देखिए, फाई की वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो बंद समाकलन बेटा ई डी एस कॉस थीटा बराबर जीरो। तो अगर आप देखें क्षेत्रफल तो जीरो नहीं हो सकता, और अगर यहां पर देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें यहां पर तो क्षेत्रफल की दिशा इधर है, क्षेत्रफल की दिशा यूं आ गई आपके पास में, ये क्षेत्रफल की दिशा यूं हो गई आपके पास में। तो हमने देखा क्षेत्रफल जीरो नहीं है क्योंकि आपने वृत्त आपने में गोला ड्रा किया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, क्षेत्रफल आपके पास जीरो नहीं होगा आपके पास में। और वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ देखे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे यहां पास आप देखे आपके पास, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और आपके पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो एक ही दिशा में है, वो भले ही बाहर की तरफ से आपके पास है। तो हमने पाया कि आपके पास थीटा भी आपके पास क्या जीरो है, थीटा अगर जीरो है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी, डीएस कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो अगर डीएस कुछ है कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास वन आ रही है तो ई की वैल्यू ही आपके पास में जीरो हो सकती है, इसके अलावा तो और कुछ हो ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो हमारे पास इसका मतलब कि इसका मतलब ये डीएस जीरो नहीं हो सकता, कॉस थीटा आपके पास में जीरो, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है तो कॉस थीटा वन आ गया आपके पास में, यानी कॉस जीरो वन आएगा, तो कॉस जीरो वन ये वन हो गया, ये जीरो नहीं आपके पास में। इसका मतलब अगर ये दोनों जीरो नहीं हो सकते तो ई ही अकेला होगा जो जीरो कर रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या है, जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि खोखले कोष के अंदर की तरफ आपके पास में, खोखले कोष के अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है आपके पास में। कोष के अंदर ठीक है ई क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ई बराबर जीरो होता है, ये ध्यान रखी गई बहुत अच्छी चीज है और ये आगे भी आएगा आपके पास में। कोई भी धातु अगर खोखला है तो उसके अंदर आपके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, ये ध्यान रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कोई भी धातु अगर खोखला है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। बेटा पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए और कहिए जुड़े हो, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, अपना लेक्चर कंप्लीट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करते चले, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, शेयर करिए, धन्यवाद।